लोग मेरे ख्याल से मुंह पे कीचड़ मलेंगे सब आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के मुंह पे। क्यों? क्योंकि इनके गंदे घिनौने कारनामे ऐसे हैं। ये तो इतने अच्छे अच्छे नाम लेके अपने नाम इतने अच्छे रखते हैं कि लोग इनको सुनने के लिए इनसे बात करने के लिए मजबूर हैं। किसी ऐसे बजरंग बली या किसी ऐसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति की या रिस्पेक्टेड जो एक विचार है उसके बारे में अगर सोच के किसी ने वोट दिया तो एक एक वोट के लाले पड़ जाएंगे। कोई इनको आरएसएस के कार्डर भी वोट नहीं देंगे। अगर बजरंग बली का दिमाग में एक क्षण भी नाम भी आ गया तो कौन इन ऐसे लोगों को वोट देगा? अगर इस बात पे अमल कर लिया ना लोगों ने तो मोदी जी को एक एक वोट के लाले पड़ जाएंगे। ये तो मोदी जी की झूठी बातें ही याद रख के, अमित शाह जी की झूठी बातें ही और झूठा जो ये कैंपेन चलाते हैं उनको याद करके वोट देने की दुआ करनी चाहिए इन्हें। अगर किसी ऐसे बजरंग बली या किसी ऐसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति की या रिस्पेक्टेड जो एक विचार है उसके बारे में अगर सोच के किसी ने वोट दिया तो एक एक वोट के लाले पड़ जाएंगे। कोई इनको आरएसएस के कार्डर भी वोट नहीं देंगे। अगर बजरंग बली का दिमाग में एक क्षण भी नाम भी आ गया तो कौन इन ऐसे लोगों को वोट देगा जो लूट मचा रहे हैं, जो खसोट रहे हैं, जो गरीबों का पैसा लूट कर अडानी अंबानी को दे रहे हैं? फिर तो कोई एक वोट भी नहीं दे पाएगा इनको। अमित शाह जी ने बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से और कर दी है। तो देखिए ना, ये इनको लोग मेरे ख्याल से मुंह पे कीचड़ मलेंगे सब आरएसएस और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के मुंह पे। क्यों? क्योंकि इनके गंदे घिनौने कारनामे ऐसे हैं। ये तो इतने अच्छे अच्छे नाम लेके अपने नाम इतने अच्छे रखते हैं कि लोग इनको सुनने के लिए इनसे बात करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर ये बजरंग दल वाले अपना नाम चेंज कर दें, बजरंग दल के अलावा कुछ ये रख दें आरएसएस, ठीक है, ये दल बना के आरएसएस दल बना के जाएं, तो मुझे लगता है लोग कीचड़ इनके मुंह पे मलेंगे। ये तो इतना रिस्पेक्टेड नाम एक रख लिया है अपना इन्हें, तो इनको लोग सुनने के लिए इनकी शक्ल देखने को तैयार होते हैं। यही तो इनकी चाल है जो समझनी चाहिए। देखिए क्या लग रहा है, जहां एक तरफ मोदी जी बजरंग बली की बात कर रहे हैं, हमने जैसे जो जुडिशरी पे हमले कर रहे थे सरकार के बड़े बड़े अधिकारी, जुडिशरी को सपोर्ट देने के लिए हमने एक इतना बड़ा मार्च किया था 14 अप्रैल को और इतने बड़े हमने प्रदर्शन किए। पूरे देश में हम अब प्रदर्शनों का एक सीक्वेंस चलाने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट को और जुडिशरी को मजबूत करने के लिए और ये कहने के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपको बिल्कुल भी किसी दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है, पूरी जनता आपके साथ खड़ी है। उसी प्रकार से हम दूसरे इंस्टीट्यूशंस में, इलेक्शन कमीशन का नंबर अगला है, हम इलेक्शन कमीशन को भी मजबूत करने के लिए, उसके जो मेंबर्स हैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए कि वो भी मोदी जी और अमित शाह जी के जो दबाव आते हैं उनके ऊपर या जो लालच देते हैं उन्हें, उनके ना दबाव में आए ना लालच में आए, जो एक छवि जा रही है इलेक्शन कमीशन की भी, उसको भी दुरुस्त करने के लिए एक हम बड़ा कैंपेन अभी करने वाले हैं। इसकी भी ज़रूरत है, सभी संस्थानों को देश के मजबूत करने की ये आरएसएस और बीजेपी के शासन में ज़रूरत है। जनता को खड़ा होना पड़ेगा, जैसे जो जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, न्यायिक जो जजेस को मजबूत करने के लिए जनता खड़ी हो रही है, वैसे ही इलेक्शन कमीशन को भी मजबूत करने के लिए जनता खड़ी होगी। उसके लिए भी हम एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं। अभी तक तो इससे इलेक्शन कमीशन का की छवि खराब ही होती है इस प्रकार के कारनामे करने से। देखिए क्या कह रहे हैं, जिस तरीके से कर्नाटक में चुनाव हुआ लगातार अमित शाह जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आई तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कांग्रेस आई तो दंगे होंगे। नहीं, ये तो वो एक तरीके से धमकी दे रहे हैं ना। दंगे कराता कौन है? और अमित शाह जी का संबंध आरएसएस और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इन सब से तो है ही। वो तो खुद साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को टिकट दिलवाने में उनका एक बड़ा रोल रहा है मोदी जी का, और उनका वो क्या करती थी, उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम क्या है उनके ऊपर, पता है ना आप सबको कि वो बॉम्ब ब्लास्ट कराती थी, दंगे कराने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट कराती थी। तो यही तो धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, हम दंगे करा देंगे। ये रीड बिटवीन द लाइंस करना चाहिए, इस प्रकार की धमकियों में आना नहीं चाहिए। भारत का संविधान और भारत की व्यवस्था इतनी कमज़ोर कभी नहीं होगी कि भले ही कोई होम मिनिस्टर बन जाए वो देश में दंगे करा पाए, इससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार तो 40% तो है ही, वो ओपनली कर रहे हैं। अब 40% से ज़्यादा कौन भ्रष्टाचार कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा मेरे ख्याल से। और राष्ट्रवादी जो आप कह रहे हो, राष्ट्रवादी हैं तो वो आर्यव्रत नाम का राष्ट्र है, वो भारत राष्ट्र के राष्ट्रवादी नहीं है। अभी उनके एक जो लॉ मिनिस्टर हैं और जो दूसरे मिनिस्टर्स भी हैं वो खुले आम भारत के संविधान के खिलाफ बोलते हैं। अभी एक लॉ मिनिस्टर जो जूनियर लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनका बयान मैं आज पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि जो असली राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और उनके जो साथियों ने जो संविधान बनाया था वो भारत को क्या बनाया था, भारत दैट इज़ इंडिया, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया था। तो वो तो खुले आम गद्दारी और बगावत
की बातें कर ही रहे ना खुद ही। तो आप हिंदू राष्ट्र की आपने बात की, तो योगी जी ने भी तो पहले बयान दिया था कि भारत हिंदू राष्ट्र ही है, पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये भारत की संविधान की शपथ जो झूठी खा सकते हैं, संविधान में लिखा है हिंदू राष्ट्र है, कभी संविधान की शपथ ली नहीं इन्होंने कि इसे अक्षुण रखूंगा। तो जो लोग ऐसा संविधान की शपथ झूठी खा सकते हैं उनके ऊपर आप क्या क्या भरोसा कर सकते हैं, वो तो अब इन पदों पे बैठ गए हैं, भारत की व्यवस्था ऐसी है। लेकिन लेकिन इन लोगों ने जो ये क्राइम्स किए हैं इनकी सजा इन्हें आज नहीं तो कल मिलेगी, जब अच्छी सरकारें आएंगी। तो ये जो देशद्रोह के जो बातें करते हैं, जो आतंकवादी बातें करते हैं, इनकी सबकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अमित शाह जी ने कर्नाटक में मुस्लिमों का जो आरक्षण है वो खत्म करने की बात कही है। नहीं देखिए, आरक्षण के बारे में तो 100% आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये होना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले तो कास्ट सेंसस कराना चाहिए ना। जो मोदी जी और योगी जी की सरकार है पूरी ताकत लगा के कास्ट सेंसस रोकने के चक्कर में लगी हुई है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें सबको मिलके, एससी एसटी ओबीसीज और माइनॉरिटीज़ को मिलके सबसे पहले कास्ट सेंसस कराना चाहिए, और फिर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी इस पे अमल करना चाहिए। जो एक 10% 12% लोग थे उनको 10% रिजर्वेशन मिल चुका है, बाकी जो बचा हुआ 90% है वो 90% को उनकी संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। यही देश के संविधान के अनुरूप कार्रवाई होगी। क्या लग रहा है कर्नाटक चुनाव पे इन सब बातों से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, सबसे बड़ा फर्क तो ईवीएम से पड़ता है। हाँ। ये सब चीजें तो बहाना दिखाते हैं। अगर मैंने बोला ना बजरंग बली का नाम लेके कोई वोट देने जाएगा तो कोई भी जो बजरंग बली का मानने वाला है एक वोट नहीं देगा बीजेपी को। तो ये तो दुआ नहीं, मोदी जी की जो आह्वान है उनको बद्दुआ साबित होगा ये। लेकिन स्मृति ईरानी तो साफ साफ कह रही जिनने कभी भगवान को नहीं माना वो क्या मानेंगे कर्नाटक में। सोनिया गांधी को लगातार टारगेट करके स्मृति ईरानी ये बात कह रही है। अब सोनिया जी के दिल में किसके प्रति आस्था है? हाँ। ये तो सोनिया जी बता सकती है। हाँ। स्मृति ईरानी जी के मन में किसकी आस्था है वो स्मृति ईरानी जी बता सकती है। तो अब स्मृति ईरानी जी जो उनके नाम से ही पता लगता है कि वो और माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी उनके पास है, तो उनके नाम से ही पता लगता है कि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से आती हैं, पारसी समाज से आती हैं। पर आस्था किसके मन में क्या है ये तो वही बता सकता है। उसी प्रकार से जो सोनिया गांधी जी हैं वो एक गांधी परिवार से आती हैं, तो उनके मन में क्या आस्था है फिर भी वही बता सकती हैं। लेकिन जो नज़र आता है वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो कि सवर्ण है सोनिया जी, और ये एक ऐसे परिवार से आती हैं जो सरनेम से ही देख के बता रहा हूँ मैं, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है देश की पारसी समाज से, पर दिल में किसके क्या है वो तो वही बता सकता है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जर्नलिस्ट को सोनिया जी से पूछना चाहिए और स्मृति ईरानी जी से भी पूछना चाहिए। किसी एक की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि मोदी जी के मन में क्या है मेरे मन में क्या है ये कोई और नहीं बता सकता। लास्ट वीडियो में आप कर्नाटक की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मुद्दा जो है ना वो ये है कि कर्नाटक में इससे गंदी सरकार क्या कभी इतिहास में आई है, और देश में इससे बुरे कोई पॉलिटिकल पार्टी है? इस पे सोच के जो चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ मिलके देश को कमज़ोर कर रहे हैं, मैंने अभी भी बताया चाइना 2000 किलोमीटर जगह जिनके रहते हुए छीन के ले गया और वो मान भी नहीं रहे हैं, पब्लिक से छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि ना किसी ने 1 इंच ली ना किसी को 1 इंच दी जाएगी। जो इस तरह के झूठे वादे करते हैं, जो 15 लाख का वादा करते हैं, जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा करते हैं, जो पेट्रोल के दाम गिराने का वादा करते हैं, झूठा सब चीज़ झूठ बोलते हैं, कोई भी बात उनकी सच्ची नहीं है और सब कुछ जो है एक मिथ्या ढोंग है जिसपे वो लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अपनी एक झूठी इमेज बनाते हैं। ऐसे लोगों को तो किसी हालत में किसी कीमत पर भी वोट नहीं देना चाहिए, एक भी वोट नहीं देना चाहिए।